अरे बहू आ जाएगी, अरे क्यों परेशान है? अरे दुलारी मैं तो नू कहूं, तू दोनों का ब्याह कर ले। बिजनेस में घाटा और खाल पे लगा चाटा, तो ना भाई को पसंद नहीं, समझे भाली। सन्नो शहर में आई रे, सन्नो ने धूम मचाई रे, जलवा है जलवा मेरा, जलवा है जलवा मेरा, जिसने ना चखी वो मिठाई रे, सन्नो शहर में आई रे। बी4 टीवी से मेरे गाना रिलीज हो चुका है, तो जितने टैलेंटेड कलाकार हैं वो मेरी कंपनी में काम करें जिसके अंदर टैलेंट है। नमस्कार, मैं हूँ यश कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज 27 इंडिया, और आज हम पहुंचे हैं अनिल राघव जी के स्टूडियो पर। भैया इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप पहचान गए होंगे ना। सर स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार जी, नमस्कार, मोस्ट वेलकम आपके चैनल के लिए। बताएं यश भाई। अच्छा अनिल जी, आपके इंटरव्यू तो हमने पहले काफ़ी किए हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना आपके स्टूडियो ही चलें। जी जी, तो हमें आके बहुत अच्छा लगा, आपने स्टूडियो तैयार करा। तो राघव जी, सबसे पहले बात करेंगे, जो हमारे दर्शक है ना जी, वो ये पूछते रहते हैं कि आपकी नई फिल्म कौन सी आ रही है, उत्तर कुमार के साथ, उत्तर कुमार के साथ आ रही है या प्रताप के कौन से के साथ में आ रही है आपकी बार? उत्तर सर के साथ तो मेरी फिल्म नहीं आ रही, प्रताप धामा जी के साथ आ रही है फिल्म, जिसका नाम है आधा ब्याह। बहुत कॉमेडी है उसमें। आधा ब्याह? हाँ जी। अच्छा, तो उसमें मुझे बिचौलिया बनाया गया है और मैं प्रताप धामा जी का मौसा हूँ उसमें। अच्छा, बहुत कॉमेडी है जी उस फिल्म को, सभी देखें, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। अच्छा राघव जी, जैसे उसमें आप वो बने हो कॉमेडी, मौसा जी, हाँ मौसा जी बने हो, हाँ। तो अभी तक तो आप फुप्पा जी बनते थे, हाँ जी, लेकिन अब की बार मौसा जी बन गए, हाँ। तो इसमें एक दो डायलॉग तो हमें बता ही दोगे दर्शकों को थोड़ा सा? हाँ, डायलॉग हैं, बड़े विचित्र डायलॉग हैं, क्योंकि मैं ब्याह कराता हूँ उसमें अपनी साली के लड़के का, तो वो बहू मांगता रहता कि मेरी बहू क्यों नहीं लेके आई, तो बाकी सारा रहस्य तो हम उसी में दिखाएंगे फिल्म के अंदर, ये सारा रहस्य है। बाकी बड़ी खातर होती है मौसा की उसमें, बहुत कैडी वाली, और मौसा पे बसता भी है। तो थोड़ा सा करके देखो, हल्का सा, ज्यादा तो नहीं दिखाएंगे भाई, इनकी फिल्म आएगी हमें कहेंगे कि आप अपने दर्शकों को अभी से बता रहे, लेकिन दर्शक बेताबी से हमारा इंतजार करेंगे आपकी फिल्म का, लेकिन थोड़ा सा हो जाए। अरे बहू आ जाएगी, अरे क्यों परेशान है? अरे दुलारी मैं तो नू कहूं, तू दोनों का ब्याह कर ले। हाँ बस ठीक है, इतना ही दिखाओगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर हमने सारा कुछ यही दिखा दिया तो फिर आप फिल्म नहीं देखोगे, जो इनके प्रोड्यूसर हैं वे कहेंगे कि सारा खो दिया, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो राघव जी, अभी हमने अभी आपकी एक प्ले स्टोर पे जाना कौन से उस पर देखी थी, एमएक्स प्लेयर पर, सबसे ऊपर अभी आपकी एक फिल्म आ रही थी, तो उसमें आपको जो आपका विलन का रोल था, तो उसमें आपका एक डायलॉग बड़ा जबरदस्त लगा, जब आप स्कॉर्पियो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, एक बार हो जाए हमारे दर्शकों। हाँ, ये मेरी साउथ हिंदी फिल्म है जिसका मैं कास्टिंग डायरेक्टर था, और यस भाई ये 3 साल में फिल्म बनके तैयार हुई, कोरोना काल में फंस गई थी, तो उसका 1 करोड़ का बजट था, जिसके प्रोड्यूसर पवन चौधरी मेरे खास मित्र, मेरे भाई, और एक विजेंद्र प्रजापति थे, तो दोनों ने बजट लगाया इस फिल्म को। इसका माइंडेट कास्टिंग डायरेक्टर में ही था, एक एक कलाकार को दिल्ली मुंबई से चुन के लाया और उसमें उसको मैंने कास्ट किया, और नेपाल काठमांडू में इसके गाने शूट हुए, नैनीताल में गाने शूट हुए। अच्छा, जो रणबीर कपूर की फिल्म गुंडे है, जिसके सिंगर थे शाहिद मालिया, उन्होंने सॉन्ग गाया है, और एक सॉन्ग मैंने भी लिखा है, सन्नो शहर में आई रे, तो वो फिल्म का गाना बहुत अच्छा है, जिसमें मैं विलन का एंजॉय करता हूँ। तो सबसे पहले हम विलन का जो डायलॉग था जी, वो करके दिखाएं, गाना सुनेंगे बाद में, पहले हाँ डायलॉग जो मेरा मेन विलन का है वो मैं आपको बताता हूँ, उसी अंदाज में बताऊंगा, क्योंकि अब तक तो लोगों ने मुझे कॉमेडी में देखा है, पप्पा के रोल में देखा जाता, और मेरी विलन की एंट्री थोड़ा सा देखें मेरे दर्शकों, विलन का रोल में, बिजनेस में घाटा और खाल पे लगा चाटा, तो ना भाई को पसंद नहीं, समझे भाली, समझे। तो ये मेरा उसमें खतरनाक रोल था, मर्डर करता हूँ मैं उसमें, उसमें खतरनाक बदमाश हो जाते हैं। हाँ, फिल्म जरूर देखें, द लव स्टाइल, एमएक्स प्लेयर, एमेजोन, हंगामा प्ले, हॉट स्टार, सब प्लेटफॉर्मों पे जहाँ से साउथ की फिल्में आ रही हैं वहाँ से तुम्हारी इस फुप्पा की फिल्म आ रही है, जरूर देखें द लव स्टाइल। नाम तो फुप्पा पड़ ही गया। हाँ, और अब की बार विलन का रोल आ रहा है। जी 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 जी। अच्छा राघव जी, इसमें एक सॉन्ग बता रहे थे आप, सन्नो वाला जो मैंने लिखा है, बहुत अच्छा प्यारा सॉन्ग है, जरा मैं उसके बोल सुना देता हूँ तुम्हें। सन्नो शहर में आई रे, सन्नो ने धूम मचाई रे, जलवा है जलवा मेरा, जलवा है जलवा मेरा, जिसने ना चखी वो मिठाई रे, सन्नो शहर में आई रे। तो ये सॉन्ग बड़ा उसमें फेमस है, आइटम सॉन्ग है।
बहुत अच्छा सॉन्ग लग रहा है, बाकी फिल्म के अंदर आप देखोगे, देख लेना आप सब लोग, मजा आएगा। हाँ, बीफोर टीवी से मेरे गाना रिलीज हो चुका है, 500 सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं बीफोर टीवी से। हाँ, बीफोर पे देखा है मैंने। हाँ जी, हाँ जी, काफी अच्छा सॉन्ग है। राघव जी, अब बात करेंगे, जैसे आपने भी स्टूडियो ओपन कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, तो इसका राज जानना चाहूंगे, स्टूडियो खोलने की क्या वो थी आपको? यस भाई, ये आप देख रहे हैं सब उत्तर कुमार सर का आशीर्वाद और प्रसाद है, फूफा का नाम उन्होंने ब्रांड मुझे बना दिया, उनका बड़ा एहसान है। और ये फूफा म्यूजिक, फूफा कॉमेडी, मैंने अपने चैनल खोल दिए, आजकल सब खोल रहे हैं तो मैंने भी खोल दिए। हाँ। मैं तो बहुत पीछे रह गया, अब लोगों ने जब कहा, जब मैंने खोला, नहीं तो मैं तो आज तक औरों के लिए काम कर रहा था, जिसने बुला लिया फ्री में मान सम्मान सबके लिए जाता था। अब मेरा, अभी मेरे भी बच्चे हैं तो मैंने सोचा अपना खोलूं, तो जितने टैलेंटेड कलाकार हैं वो मेरी कंपनी में काम करें, जिसके अंदर टैलेंट है, और आपके द्वारा, मेरे द्वारा मेरे साथ काम करें। मेरी फिल्में सारी सोनाटेक कंपनी के लिए जाती हैं, सोनाटेक के लिए मैंने फिल्म बहुत दी हैं, फूफा की दो घरवाली, फूफा चला ससुराल जो 20 लाख चल रही है, ठीक है, फूफा रनवा, फूफा नंबरदार, फूफा की नई लुगाई, फूफा पे मेरे काफ़ी टाइटल हैं, फूफा की बारात, फूफा की ढोंग लीला, काफ़ी फिल्में सोनाटेक में आप देख सकते हैं सभी लोग। हाँ, अब फूफा ने स्टार्ट कर दी, फूफा के नाम से ही सारी स्टोरियाँ चलती है, फूफा की बारात और एक टाइटल। और जनता को मैं एक सरप्राइज दूंगा, मेरी 1.5-2 घंटे की फिल्म सोनाटेक पे आएगी, जिसमें मैं हीरो हूँ, वो अपडेट आपको दे दी जाएगी, और बहुत अच्छी फिल्म है जिसका मैं हीरो हूँ, और मेरा उसमें आप नया रूप और नया चेंजिंग देखना कि मैं उसमें हीरोगिरी में किस तरीके से आ रहा हूँ। उस फिल्म का नाम है अनोखा बंधन, बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ उस फिल्म को मैं। अभी तो देख ही रहे हो तुम फूफा को कैसा लगा है, लेकिन नए नए अंदाज में भी आ रहे हैं भाई। एक बात जरूर कहना चाहूँगा मैं अपने दर्शकों से, फूफा से तो मतलब राघव जी से तो हम भी मिले कई बार, जब इन्हें पैंट शर्ट में देखते हैं तो ये और जैसे लगे हैं, इन्हें कुर्ते पजामे में देखे हैं तो और कैसे लगे हैं, और जब ये सफेद से बाल कर लें तो वाइन का और ढंग सा बदल जा। ये तो भाई, हाँ। ये क्या है कि हम एक कलाकार हैं, कलाकार, कला का कोई आकार नहीं होता, उस पर मैं गाना भी लिख रहा हूँ, जैसे राजू मेरा नाम जोकर, जैसे राज कपूर ने वो गाना फिल्म आया था उस समय, तो कला का कोई आकार नहीं होता, हम हैं कलाकार, हमारा कोई आकार नहीं है, हम कोई भी रूप बदल सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं जी, पुलिस वाले के बन सके। अच्छा हाँ, पुलिस के नाम से याद आया मेरे, यो चीज़ तो आपने आज तक कैमरे पर बोली नहीं, नहीं, अभी हमें पता लगा कि आप एक खाकी वर्दी वाले भी हैं। हाँ, खाकी वर्दी वाला भी हूँ, ये चीज़ हमारे सब्सक्राइबर से छुपी, आज तक नहीं पता, इस चीज़ का आज राज खोल लेंगे, बने रहो। पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सेवा करता हूँ, वो भी निष्काम सेवा, जिसको बोलते हैं होमगार्ड विभाग। 20 साल से इस लाइन में था मैं, मेहनत करी, सेवा करी देश की मैंने, और इसमें साथ साथ नाइट में ड्यूटी करता था और सुबह को शूट पे जाता था, और सपोर्ट पुलिस, जितनी पुलिस नोएडा पुलिस है मेरा फुल सपोर्ट करती है, और जहाँ भी मैं इलेक्शन चुनाव में जाता हूँ सारा स्टाफ मेरे साथ सेल्फी लेता है और मेरा सम्मान करता है, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मेरे को यही मिला। एक बात जरूर कहेंगे, रात में तो पुलिस की ड्यूटी, होमगार्ड हैं ये, दिन में आप सब्सक्राइब के लिए, आपके लिए वो करते हैं शूट, ये फिल्में कॉमेडी, ऐसे कलाकार को यार सलाम बनता है। बस मेरा काम है कि तुमको हंसाता रहूं, दर्शकों को प्यार देता रहूं, और तुम्हारा प्यार मुझे मिलता रहे, सबसे बड़ी बात है। मैंने नाम कमाया, सिर्फ पैसा नहीं कमाया, वो सब उसका आशीर्वाद है। अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर हमारी तो नहीं सुनेंगे, लेकिन राघव जी दो लाइन मेरे चैनल के लिए जरूर बोल लेंगे। हाँ, न्यूज इंडिया, न्यूज 27 इंडिया, भाई साहब लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें मेरे नाम से और यस भाई के नाम से, क्योंकि यस भाई हर कलाकार का सम्मान करते हैं, घर घर जाके छुपे हुए कलाकारों को निकाल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, सभी को दिखाते हैं कौन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, एक बात और, अब जितने भी कलाकार आओगे सबका इंटरव्यू लेंगे, और राघव जी के जितनी भी फिल्में आएंगी उन सब के इंटरव्यू ये बुलाएंगे, हम आएंगे जल्दी जल्दी, बड़ी बड़ी फिल्में देखोगे साउथ हिंदी मेरी, हिंदी सिनेमा की फिल्में मेरी आप देखोगे मेरे नाम से। अच्छा राघव जी, एक बात और कहना चाहूँगे लास्ट में जी, हमारे कुछ कमेंट आवे सब्सक्राइबरों के, अगर वे आपसे मिलना चाहें, आपके इसमें काम करना चाहें, आपकी फिल्म प्रोडक्शन पर, तो क्या उन्हें मौका मिलेगा? हाँ, वो जरूर आएं, मेरे घर पे आएं, दादरी ग्राम बिसाड़ा में आएं, और अपना इंटरव्यू दें, फ्री ऑडिशन, कोई पैसा नहीं, और अपना काम करें मेरे साथ, जिस लायक वो होगा मैं सम्मान करूंगा उनका, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। भाई अब आपके लिए, आप हमें कॉल करते हो भाई उनसे बात करा दो, उससे बात करा दो, भैया बात नहीं कराऊंगा, आप डायरेक्ट इनके पास आओ, पास भी आओ, एड्रेस ना पता हो तो इस भाई से पूछो। हाँ। कॉन्टेक्ट करो, ये तुम्हें यहाँ तक भेजेंगे। हाँ कर लो, बता देंगे, राघव जी बहुत अच्छे हैं भाई,
ये आदत से इतने अच्छे हैं, जब अभी हम इन्हें कॉल कर रहे हैं भाई कमेंट आ रहे हैं राघव जी इंटरव्यू चाहिए, फटाक देसी कह जी आ जाओ जी, मोस्ट वेलकम आपका, सभी का मोस्ट वेलकम है। जो कलाकार है, कलाकार तो जो घर घर में बैठे सभी जानते हैं, मगर कलाकार ही चाहिए। बिल्कुल, कैमरे के आगे कलाकार ही काम करता है। तो दर्शकों देखिए इनकी नई नई फिल्म आ रही है, अभी बता रहे हैं वो, और ये सब भाई दिखाएं मेरा, हाँ दिखाएंगे, वर्क किया है अभी दिखाएंगे। मैं संयोगी से कहना चाहूंगा थोड़ा कैमरा स्टूडियो में घुमाएंगे। हमारे देखो रजा मुराद जी हैं बॉलीवुड फिल्मों के कलाकार, मनोज बख्शी जी जो बजरंगी भाई जान में रहे थे, हैं ये नौरंग भाई जी सब देहाती बॉलीवुड, ये राज चौहान हमारे जीजू हैं जिनकी बहुत फिल्में हैं, माफिया, बिग बॉस, रक्तदार, भोजपुरी फिल्में खेसारी लाल के साथ, ये हमारे देखो सारा, ये मेरे हीरो आशीष चौहान हैं जो कि जीरो फिल्म के हीरो हैं, शाहरुख खान की फिल्म जीरो, जो शाहरुख खान के बगल में खड़े हैं, देख रहे हो ना भाई। एक सारे दिखाऊंगे यहाँ बॉलीवुड वालों के साथ में भी काफ़ी फोटो हैं इनके, देखो ये शाहरुख खान है ये, और भाई इधर कुछ बॉलीवुड के जो टीवी आर्टिस्ट हैं वे भी हैं, ये तो शायद महाभारत में कौन से उसमें, ये रजा मुराद जी हैं जिनकी राम तेरी गंगा मैली हो गई काफ़ी फिल्में हैं, अमरीश पुरी के साथ के कलाकार हैं पुराने, रजा मुराद जी। अच्छा अच्छा, और ये कौन है इधर राघव जी ये जो फोटो, हाँ ये है रक्तधार के बॉलीवुड के हीरो, अच्छा अच्छा, हाँ जिम्मी, और ये संचिता भारद्वाज है भोजपुरी हीरोइन। अच्छा राघव जी ये इधर फुप्पा म्यूजिक के नाम से भी आपका एक बैनर लगा हुआ है, ये दिखाई, ये यूट्यूब चैनल है आपका, हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा तो भाई इनके चैनल पे भी जाके आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, अपनी कॉमेडी यही डाल रहे हैं ये। राघव जी ने अपना स्टूडियो तैयार करके अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया है जिसका नाम है फुप्पा म्यूजिक, यूट्यूब पर है, सब्सक्राइब कर लो। ये मेरी फिल्म ऑल वर्ल्ड रिलीज है, देख सकते हैं दालब, ये भयानक आत्मा आत्मा जिसमें मैं रिपोर्टर का रोल करा, इस फिल्म में रिपोर्टर का रोल। अच्छा। ये बहुत अच्छी फिल्म है, अलीगढ़, देहरादून, मेरठ, कानपुर, बिहार, बंगाल सब जगह चली है। जर्नलिस्ट बने हो आप? हाँ जर्नलिस्ट, आपका रोल मैंने किया, मेरा यस भाई का रोल मैंने किया है। मैं पिक्चर नहीं बनाता, कहने का मतलब ये है कि मैं जैसे जर्नलिस्ट हूँ इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ये पिक्चर में भी पत्रकार रोल किया है, मैं पत्रकार का रोल किया। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए अच्छे से कलाकारों के साथ इंटरव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।